गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चरर अशोक कुमार ग्रोवर चैनल में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी एक स्टोरी है, इसका नाम है स्वयंवर, रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। सुनीति नाम जोशी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेडी राइटर है और पैदा हुई थी इंडिया में, बहुत समय वो कनाडा में रही, आजकल वो यूके में रह रही है। उसकी जो ज़्यादातर स्टोरीज हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज रिफ्लेक्ट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती हैं कि किस तरह से इस समाज में जो है महिलाओं को सेकेंडरी लेवल का स्टेटस मिलता है, दर्जा दिया जाता है, उनको आदमियों के इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। तो ये स्टोरी भी वैसी है स्वयंवर। इसमें है क्या कि एक राजा और एक रानी है, उनकी एक बेटी है प्रिंसेस राजकुमारी जो है, शी वॉज गुड एट विसलिंग, वेरी गुड एट विसलिंग यू कैन से, सीटी बहुत अच्छा बजाती थी वो। तो अब जो है वो लड़की पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, औरत बन गई। राजा रानी ने रोका दोनों ने, डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। किंग ने भी कहा, क्वीन ने, यानी माँ बाप दोनों ने कहा, लेकिन लड़की ने नहीं माना। और लड़की समय बातें बड़ी हुई, शादी के लायक भी हो गई, तो माँ बाप को चिंता खाने लगी। राजा रानी क्या करने लगे, वट मैन विल मैरी ए विसलिंग वूमेन, कौन सा आदमी शादी करेगा एक ऐसी औरत से जो सीटी बजाती है। खैर दोनों माँ बाप दुखी थे, तो राजा ने फिर क्या कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो राजा था उसने थोड़ा पॉजिटिव सोचा इस बारे में, अपनी पत्नी को क्या कहता है कि हम जो है वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, यानी इट से मतलब उसका जो टैलेंट है लड़की का, उसका हम सबसे अच्छा यूज करेंगे, यानी उसके टैलेंट को हम पॉजिटिवली लेके उसका फायदा उठाएंगे। तो क्या कहता है राजा, राजा कहता है कि मैं ये घोषणा करवाऊंगा, क्या, आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, ऑफर पेशकश करना कि मैं पेशकश करूंगा अपनी रियासत की, आधी रियासत की, एंड द प्रिंसेस और राजकुमारी इन मैरिज, और राजकुमारी की शादी में, हु कैन बीट हर, बीट मीन्स हरा देना, एट विसलिंग, किंग्स प्रोक्लेमेशन, राजा की घोषणा थी ये। क्या कहता है राजा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरी बेटी को उसको सीटी बजाने में हरा देगा उसको मैं आधी रियासत दूंगा और अपनी बेटी का हाथ, यानी उसकी शादी जो है राजकुमारी की शादी उस लड़के से करूंगा। ये राजा की घोषणा थी, प्रोक्लेमेशन थी, और ये इस घोषणा को ड्यूली प्रोक्लेम्ड, यानी अच्छी तरह से इसकी घोषणा पूरे रियासत में करवा दी गई, आसपास करवा दी गई। मैनी सूटर्स केम, सूटर से मतलब विवाह इच्छुक लोग, बहुत सारे लड़के आ गए जो विवाह के इच्छुक थे, जो पूरा राजमहल था वो भर गया, द पैलेस वाज जैम्ड विद सूटर्स, बहुत सारे विवाह इच्छुक लोग से भर गया पूरा राजमहल। तो कुछ तो बहुत, यानी समवर टेरिबल एट विसलिंग, कुछ तो सिटी में जाते थे टेरिबल, यानी अच्छी नहीं थी, भयानक सी, और समवर गुड, और कुछ अच्छे भी थे, बट द प्रिंसेस वाज बेटर देन ऑल, मतलब राजकुमारी सबसे अच्छी थी। तो राजकुमारी सबको सिटी में जाने में हरा दिया। अब जो राजा था वो डिस्प्लीज हो गया, नाराज हो गया, गुस्से हो गया, दुखी हो गया, एक तरह से दुखी। दुखी क्यों हो गया कि अब कहता है, वो क्या सोचने लगा कि अब मेरी बेटी शादी कौन करेगा, तो उसके मन में एक दुख आ गया, ही वाज डिस्प्लीज्ड। तो कहता है, लिखा है, तो बेटी कहती है, फादर लेट मी हैव ए टेस्ट, चिंता ना करो, मेरे को एक टेस्ट रखने दो, मैं एक परीक्षा लेती हूँ। तो उस लड़की राजकुमारी ने सभी सूटर से पूछा, डू यू एक्नोलेज, क्या आप स्वीकार करते हैं That you were beaten fairly, कि आपको beaten means हरा दिया गया, fairly means अच्छी तरह से, कि आप अच्छी तरीके से हार गए हैं मेरे से। ये बोली राजकुमारी, प्रिंसेस बोली, लेकिन सारे क्या बोले, नो, नहीं, दे ऑल रोड, रोड में धाड़े गर्जे सारे जोर से, ऑल एक्सेप्ट वन, केवल एक के सिवाय, एक्सेप्ट के सिवाय, क्या बोले सारे, वी थिंक, हम सोचते हैं, इट वॉज मैजिक, ये कोई जादू था, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या किसी प्रकार की कोई चालाकी, सॉर्ट प्रकार ट्रिक चालाकी। तो लेकिन एक लड़का क्या बोला है, यस यस, हाँ हाँ, आई वॉज बीटन फेयरली, ओनली वन सूटर, केवल एक विवाह इच्छुक व्यक्ति सूटर बोला कि हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से हरा दिया गया। तो राजकुमारी जो है उसको देख कर मुस्कुराई, पिता के, उसने क्या कहा, इशारा किया कि देखो कि इस लड़के को इशारा करते कहती है कि यदि ये लड़का राजी होता है शादी करने के लिए तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उस राजकुमारी की उस लड़के से शादी होगी। अब स्टोरी क्या बता रही है आपको कि जो अगर कोई लड़का सीटी बजाता है तो उसको समाज अच्छा कहता है, उसको कोई कुछ टोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर लड़की सीटी बजाती है तो वो भी एक टैलेंट है,
तो उसके टैलेंट को गंदा माना जाता है, बेकार माना जाता है, उसको रोका जाता है। इवन पेरेंट्स भी दुखी थे, चिंतित थे कि कौन शादी करेगा, लेकिन किस तरह से जो है उसके टैलेंट की भी कदर हुई और लड़की उस लड़के से शादी हुई जिस लड़के ने टैलेंट उसके टैलेंट की कदर की। तो क्या माना गया, क्या स्टोरी का मैसेज क्या मिला कि हमें आदमियों को जो है औरतों के टैलेंट की, महिलाओं के टैलेंट की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी उनके जो टैलेंट को हमें जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेम वही स्टोरी है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, उस समाज में औरत का दर्जा भी पुरुष के बराबर है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।